हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, इसे हम कुल्हड़ी बोल सकते हैं, फूलवड़ी बोल सकते हैं। इसको हम चावल से बनाते हैं या चावल के आटे से। बहुत ही स्वादिष्ट, ये एक तरह का बच्चों के लिए कुरकुरे जैसा बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही आसानी से बनता है। इसे एक बार आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे सालों तक खा सकते हैं। इसको कोई खराबी नहीं होती है, बस सुखा के रख देना है। चावल से बनता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर एक हमें बड़ा टोपिया लेना है। इसमें आप देख सकते हो मैंने इस तरह का एक लीटर का पूरा बॉटल भर के पानी डाला है पहले। ये दूसरा बॉटल है। एक किलो में हम दो पूरा बॉटल और आधा ग्लास के करीब पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा मुट्ठी जीरा डाला है। आप जीरा थोड़ा कम ही डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो पीला पीला पड़ जाएगा। इसे अब ढक कर हमें अच्छे से उबाल लेना है। हमें इतना उबालना है कि ये बिल्कुल मतलब खोलने लगे इस तरह का। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने 25 ग्राम खार ली है। 25 ग्राम नाप का खार है, ये हमने पानी में डाला। साथ साथ हमने 25 ग्राम नमक भी पानी में डाला। दो बॉटल आधा ग्लास पानी है, 25-25 ग्राम खार और नमक है। यहाँ पर मैंने एक किलो चावल का आटा लिया है। इसे आप अच्छे से छान ले, छानने से जो भी इसमें ख़राब कण होते हैं वो निकल जाते हैं। अब देखिए हमारा पानी कितना अच्छा खोल गया है, आप देख सकते हैं। अब ये जो हमने छान कर चावल का आटा रेडी किया है, इसमें हम ये पानी डालेंगे और एक चम्मच से मिलाएंगे। आप देखिए इसमें हमें इस तरह से इसको मिला लेना है। ये परफेक्ट मैं आपको नाप के साथ बता रही हूँ। अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपके खिचिया बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से ये खोलता हुआ पानी में हमें पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है चारों तरफ से। और यहाँ पर अब हमें जो एक पैन होता है, ढोकला वाला स्टैंड या पैन, इसमें देखिए इस तरह से हमें इसको भर लेना है। और ढोकला वाला स्टैंड में थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा ग्रीसिंग करके आप पैन में इसको भरें। देखिए इस तरह से भरकर हम इसे ढक देंगे। कम से कम इसे हमें आधा घंटा पकाना है। देखिए ये इस तरह का दिखने लगा, आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद। अब हम इसको वापस से देखते हैं, आधा घंटा हो गया। वाओ परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। इस जगह हम 10 मिनट इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा इसका ठंडा होने का। और जो हमारे पास चावल वगैरह का बोरा होता है ना, इस तरह का कट्टा हमें चाहिए, प्लास्टिक वाला, आप देख सकते हैं इस तरह का। इसमें हमने थोड़ी सी घी तेल की ग्रीसिंग की है और फिर हम इसमें देखिए इस तरह से इसको निकाल देंगे। ये सबसे ट्रेडिशनल वे है खिचिया बनाने का। तो अब इसको हमें देखिए इस तरह से, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। तो 2 से 3 मिनट में ये पूरा मथ के रेडी हो जाएगा बेलने के लिए। देखिए इस तरह से कट्टे को हमें घुमाना है, इसे हम चावल का कट्टा भी बोलते हैं। देखिए हल्का सा हमने उसमें ऑयलिंग किया और कितना अच्छा ये मिक्स होके तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बनकर तैयार हो रहा है। जब ये 2 से 3 मिनट में पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए ना, उसके बाद हमें इसके गोल गोल लोए बना लेने हैं, जो साइज़ के आपको बनाने हैं उस तरह के। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा। अब हमें दोस्तों इस तरह का कोई भी एक जाली ले लेना है, जिसमें देखिए इस तरह से कुल्हड़ी बनाई जा सकती है आसानी से। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो इस तरह का झर्रा ले लें आप, और थोड़ा थोड़ा आटा को लेते हुए इसके ऊपर आप दबाते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा देखिए इस तरह का निकल जाएगा। इसको जब ये थोड़ा 1-2 घंटा हो जाए तो थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से आप फैला दीजिए। 1 से 2 दिन में ये पूरा सूख कर तैयार हो जाएगा, फिर आप इसे साल भर तक आराम से खा सकते हैं। कुछ आटे का हमने देखिए इस तरह से खिचिया बेल लिया है, आप खिचिया भी बना सकते हैं। और अब देखिए ये 2 दिन सूखने के बाद मैंने अच्छे से धूप लगा लिया, इस तरह से तैयार हो गया। कोई भी डब्बे में स्टोर करके रख लें। अब आप तल के देखिए, थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डालें और देखिए हम इसको तल कर दिखाते हैं आपको कि कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, कितना फूला फूला कुरेड़ी हमारा बनकर रेडी है। बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे, बाज़ार का कुरकुरे भूल जाएंगे बच्चे इसको खाने के बाद। और देखिए कभी भी आप इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा करारा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें, एक बार ज़रूर इसको बनाएं घर पर। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी बनती है। मैं आपको एक तोड़कर यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि देखिए कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों आप लोग भी इसको ज़रूर से बनाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी नई रेसिपीज़ या ट्रिक्स डालूँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं इन रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, सी यू सून।